Assalamualaikum and welcome to Zaions.com. इस वीडियो पे हम बात करेंगे LinkedIn पे कि LinkedIn क्या है, उस पे आप अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, LinkedIn पे आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह 100% कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद LinkedIn पे आप जॉब्स पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा LinkedIn के और क्या क्या फ़ायदे हैं और उनसे आप किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम में आ जाएँ और सर्च करें LinkedIn. जो पहली ही सर्च होगी वो होगी LinkedIn पाकिस्तान. आप उस पर क्लिक कर दें. ये कंट्री वाइज चेंज होती है. उसके बाद अगर आपका पहले ही LinkedIn पे अकाउंट मौजूद है तो आप उसमें साइन इन कर लें, और अगर आप LinkedIn पे बिल्कुल न्यू हैं तो आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे. यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और साथ में पासवर्ड एंटर करेंगे. ईमेल एड्रेस आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होगा वो आप एंटर करें, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे. ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद आप एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे. यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे. उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. अगर आपको ये स्क्रीन आए तो आप यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें, और यहाँ पे जो ये चीज़ कह रहा हो यहाँ पे ये हर दफ़ा चेंज होगा, तो यहाँ से आप पढ़ लें. मुझे ये कह रहा है कि ट्रैक्टर्स को सिलेक्ट करना है. हो सकता है ये आपको कहे कि जो हेडलाइट्स होती हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनको सिलेक्ट करो. तो इन इमेजेस में से जो ये चीज़ कहे उनको सिलेक्ट करना है. जैसे ये कह रहा है ट्रैक्टर्स को सिलेक्ट करें, तो मैं ये जहाँ जहाँ पे ट्रैक्टर नज़र आ रहा है उसको सिलेक्ट कर दूँगा. सिलेक्ट करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर दें. अगर ये क्लिक होगा तो फिर ये नेक्स्ट पे चला जाएगा. ये सिर्फ एक सिंपल चेक है, जो सिक्योरिटी चेक है. उसके बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे. यहाँ पे आप अपनी लोकेशन दे दें. लोकेशन ही ऑटोमेटिकली आपकी उठा लेगा. अगर ना उठाए तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन फिल कर लें. उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें. उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप तो देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है मोस्ट रिसेंट कंपनी. यहाँ पे आपने अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप लिखते हैं. अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो जैसे मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आप फाइवर लिख देंगे. फाइवर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे और ये पहली कंपनी आ जाएगी. आप इसको सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल लिखेंगे. वो जो भी आपका जॉब टाइटल बन रहा होगा वो आप लिख देंगे. मैं अपना लिख दूंगा डेवलपर, और उसके बाद कंटिन्यू. ये दोनों सिलेक्ट कर लें. और अगर आप प्रेफर करते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट तो आई एम अ स्टूडेंट कर लें, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर मोस्ट रिसेंट कंपनी में फाइवर कर लें. और यहाँ पर जो भी आपका जॉब टाइटल, अगर आप एक टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, डिवेल्पर हैं, IT मैन है, कुछ भी हैं, आप यहाँ पे उसको जॉब टाइटल को लिख लें, और बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करें. उसके बाद हर एक वेबसाइट की तरह ये आपको एक ईमेल सेंड करेगा, ताकि ये कंफर्म कर सके कि आपने जो ईमेल दी थी वो सही है. आप नए टैब में आएँ और अपने जीमेल में लॉगिन कर लें. लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ईमेल आपको भेजी हुई है LinkedIn ने. यहाँ पे ये जो करेक्टर्स हैं इनको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, और एग्री एंड कंटिन्यू पे कर लें. अगर आपको ये पिन की ईमेल ना आए तो वहाँ पे एक होगा डिडेंट गेट द पिन सेंड अगेन, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ईमेल आ जाएगी. ईमेल का नंबर फिल करने के बाद आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे. उसके बाद ये आपको पूछ रहा है आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, आप येस पे क्लिक कर देंगे. येस. उसके बाद आप करेंगे सर्च फॉर अ जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन. यहाँ पे आप जॉब का टाइटल लिखेंगे, जो भी आपकी जॉब का टाइटल होगा, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डिज़ाइनर या IT मैन या इंस्ट्रक्टर, जो भी होगा वो लिख देंगे. और यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे. लोकेशन आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च जॉब, और ये देखें नीचे एक और ऑप्शन है गेट जॉब अलर्ट्स फॉर दिस. यहाँ पे ये एक साथ ही जॉब अलर्ट भी क्रिएट कर देगा. अगर आप चाहते हैं जॉब अलर्ट क्रिएट करना तो इसको ऑन रहने दें, नहीं तो इसको ऑफ कर दें. मैं अभी इसको ऑन रहने दूंगा, और उसके बाद सर्च जॉब्स पे क्लिक कर दूंगा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो साइनअप का सेटअप था वो कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जॉब्स के पेज पे आ गए. लेकिन हम अभी जॉब्स पे अप्लाई नहीं करेंगे. जॉब्स पे अप्लाई करने से पहले हम अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे. तो प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पेज पे आ जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कह रहा है कंप्लीट दी स्टेप्स टू गेट मोस्ट ऑफ LinkedIn, मतलब ये आपको खुद भी कह रहा है कि इन स्टेप्स को कंप्लीट करें
ताकि आपको लिंक्डइन से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको इन सभी स्टेप से गो थ्रू भी करवाऊँगा आपको, ताकि आप किसी भी स्टेप को मिस ना करें। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इमेज लगा लेंगे, प्रोफाइल इमेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। आप यूज़ कैमरा भी कर सकते हैं अगर आपने रन टाइम पे इमेज क्लिक करनी हो। मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। इमेज अपलोड करने के बाद आप यहाँ से इमेज को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको जूम इन कर सकते हैं या जो भी, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद आप इसको स्क्रोल अप करेंगे अगर आपको ये सेव इमेज का ऑप्शन ना आ रहा, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इमेज आपकी यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में नज़र आने लग पड़ेगी। उसके बाद आप सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल बेसिक इन्फो है उसको एडिट कर लें। उसको एडिट करने का क्या तरीका है कि आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे एक एडिट का आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, एजुकेशन, आप यहाँ पे फिल करेंगे। लिंक्डइन में एजुकेशन का टैब यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन का, जिस तरह हमने बाकी सब में एजुकेशन ऐड की है उसी तरह इसमें भी ऐड कर देंगे। मैं जल्दी से एक डेमो एजुकेशन ऐड करूँगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। एजुकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उन्होंने हमें टिक बॉक्स दिया हुआ है, शेयर विद नेटवर्क। आप क्योंकि अपनी प्रोफाइल में सही डिटेल एंटर कर रहे होंगे, आप इसको हमेशा ऑन रहने देंगे ताकि जो आपका नेटवर्क हो उन सबको इसके मुतालिक पता चल जाए। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज़ ऐड करने लगे ना, आपने ये एजुकेशन ऐड की है, तो उसी वक्त जितने आपके कनेक्शंस होंगे, कनेक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, उन सभी को ना एक अलर्ट चला जाएगा कि इसने ये काम किया। मैं अभी इसको ऑफ रहने दूंगा, आप इसको ऑन रखेंगे और सेव कर देंगे तो ये एजुकेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये हमें जैसे ही मैंने एजुकेशन ऐड की है तो मेरी प्रोफाइल का जो लेवल था वो इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन हम इसे एक्सलेंट करेंगे, फुल लेवल पे लेके जाएंगे, गोटेड कर दिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल का भी क्या लेवल है, ठीक है। हम नेक्स्ट करें, फिर वही एडिट पेज पे आ जाएंगे, उसकी प्रोफाइल की एडिट पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अब सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है, आप करंट पोजीशन, अगर एक और पोजीशन आपने कहीं और पे भी काम किया है, आप यहाँ पे ऐड न्यू पोजीशन पे करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है एक, क्या आप एक फॉर्मल नेम भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्मल नेम जैसे कि एक यूज़र नेम आपका होता है, कुछ भी आप एक यूज़र नेम अपना ऐड कर सकते हैं जो कि या आपके कनेक्शंस को नज़र आ रहा होगा। आपका असल नाम ये है और आपके कनेक्शंस को ये नज़र आ रहा होगा। एजुकेशन ऐड करने के बाद और पोजीशन ऐड करने के बाद सेव कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ना कोई सेक्शन नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि हमने जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस ऐड किया है उसके अलावा हमारा कोई सेक्शन ही नहीं नज़र आ रहा। लिंक्डइन में आपको जो जो चीज़ें ऐड करनी है ना, आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई सेक्शन उन्होंने ऐड नहीं किया होता। जो जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से वो सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब हमने वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है, एजुकेशन ऐड कर दिया है। उसके अलावा जो हमारा ज़रूरी काम होता है वो होता है कि स्किल्स ऐड करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आप इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा स्किल। यहाँ पे हम कोई दो तीन डेमो स्किल्स ऐड कर देंगे, HTML 5, ये 5-6 हम डेमो स्किल्स ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पहले ये सेक्शन नहीं था। अब अगर आपने कोई ऐड करना है स्किल तो यहाँ पे ऐड अ न्यू स्किल पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पे स्किल एंटर करेंगे और उसको सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। अगर कोई स्किल आपसे गलती से ऐड हो गया, मतलब ये CSS या कोई एक स्किल आपसे गलती से ऐड हो गया, तो आप उसको एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद यहाँ पे डिलीट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने प्रोफाइल में ना top 3 स्किल्स लिस्ट कर सकते हैं। top 3 स्किल्स लिस्ट करने का क्या मतलब है कि आप जितने मर्जी स्किल्स ऐड कर लें, ऐड करने के बाद आपको लगा कि जो HTML है, JS है और PHP है ना, वो मेरे 3 टॉप के स्किल्स हैं,